चुनावी माहौल नज़दीक आते ही आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से शिवराज चौहान ने लाडली बहना योजना के बारे में बहुत प्रचार प्रसार किया है इन दिनों। मेरे मन में एक बेचैनी थी, एक योजना और ऐसी लाई जाए जो आधी आबादी को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को और सशक्त करने का काम करे। लाडली बहना योजना का सच जानकर हैरान रह जाएंगे आप। मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या 4 करोड़ है लगभग। 23 वर्ष से कम की महिलाएं लगभग 1 करोड़ हैं। इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। 60 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं लगभग 1 करोड़। इन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा। परिवार में 2.5 लाख से अधिक आमदनी हो ऐसे परिवार वाली महिलाएं लगभग 50 लाख हैं। इन्हें भी लाभ नहीं मिलने वाला है। जिनके परिवारों में 5 एकड़ से अधिक की जमीन हो ऐसी लगभग 50 लाख महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, और इन्हें भी लाभ नहीं मिलने वाला है लाडली बहना योजना का। ऐसे परिवार जिनमें कोई सरकारी सदस्य हो ऐसी महिलाएं लगभग 30 लाख हैं मध्य प्रदेश में, और इन्हें लाभ नहीं मिलने वाला इस योजना का। जिनके घर में एक 4 पहिया वाहन हो या फिर एक ट्रैक्टर ही क्यों ना हो ऐसी महिलाएं लगभग 20 लाख है हमारे प्रदेश में, और इन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा। और अन्य दूसरी वजह से लाडली बहना के लिए अयोग्य महिलाओं की संख्या होती है लगभग 30 लाख। इन्हें भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो लाडली बहना के लिए आवेदन करने की पात्र महिलाओं की कुल संख्या हुई मात्र 20 लाख। इन 20 लाख महिलाओं के कागजों की जाँच करते हुए लग जाएगी चुनावी आचार संहिता, और अगर इनकी किस्मत अच्छी होगी तभी इनमें से कुछ को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। यानी कि जनता के हाथ में आएगा मामा जी का ठुल्लू। मामा ने बनाया सबको उल्लू।